हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बार फिर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने विस्फोटकों से भरी आतंकवादियों की कार को उड़ा दिया है। अभी नई तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो पुलवामा में आतंकी साजिश का वीडियो भी जारी कर दिया गया है। चश्मदीदों के बयान भी सामने आए हैं। पूरी जांच एनआईए को सौंप दी गई है। आतंकवादी की बड़ी साजिश जो है उसको नाकाम किया गया। ये आप देखिए तस्वीरें, कार को हालांकि सेना ने उड़ा दिया। कहा जा रहा है कि उसमें 40 से 50 किलो आरडीएक्स भरा हुआ होगा। विस्फोटकों से भरी हुई ये कार थी। इसका जो नंबर था वो भी फर्जी था। अब एनआईए पूरे इस मामले की जांच करेगी। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी हैं, उन्होंने आज ये जानकारी दी कि सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कल रात में जानकारी सेना के पास आ गई थी, इस हमले को लेकर कोई साजिश आतंकवादियों के द्वारा रची जा रही है। सेना ने इस साजिश को नाकाम किया। इस कार को अब उड़ा दिया गया है। तो आतंकवादी जिस कार के जरिए दहलाना चाहते थे पुलवामा को एक बार फिर, तो अब आपको हम जो पूरी घटना है वो चश्मदीदों ने क्या कहा है वो सुनवा देते हैं। जब हम अंदर थे हमको कुछ पता नहीं, को यहाँ रास्ता है, यहाँ गाड़ियाँ आती जाती हैं, हमको कुछ पता नहीं किसने गाड़ी रखा यहाँ, किसने, हम खाना खाते हैं फिर हमारा दरवाजा बंद, हम शाम से ही बंद रखते हैं खाने के। जब हम खाना खाते हैं तो हमने थोड़ा फायरिंग सुनी, फायरिंग के बाद तकरीबन 15-20 मिनट हो गया, ये टास्क फोर्स आ गया, इन्होंने हमारा दरवाज़ा खटकाया और बताया बाहर निकलो। हमने कहा हम डरते हैं, हम क्या करेंगे उधर, नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं करेगा, वो करेगा ये करेगा, गाड़ी का नंबर देखो, वो देखो, ये देखो। तो हमने नहीं माना, तो फिर जबर किया तो हम निकल गए। फिर देखा गाड़ी का नंबर शंबर वो ये, तो बस हमको ये और पता नहीं किसने गाड़ी रखा, कुछ नहीं, ये हमको कुछ पता नहीं है। फिर हम रात को ऐसे ही जागे रहे थे रात को, फिर सुबह निकाला, आप यहाँ से निकलो, गाय खिड़की विड़की रखो खुला, डंगर है वंगर है अगर कोई है वो इसको बाहर निकालो। फिर इस गाड़ी को धमाका किया तो और हमारा इस मकान को तबाह कर दिया। तो कितना नुकसान हुआ गया? क्या बताएंगे, इसको तकरीबन 30 लाख रुपया हो गया इस मकान में, अब ये सब खत्म हो गया। आप सारे सेफ हो भी यहाँ पे थे, जितने भी मेंबर अब घर में थे सारे सेफ हो? हम सेफ हैं, बंदे तो सेफ हैं। नुकसान नुकसान तो नहीं किया? बंदे को कोई नुकसान नहीं हुआ। घबराए हम बहुत, डर गए, ये हमको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। हमने आवाज़ सुनी गाड़ी की, ये बोल रहे हैं कि गाड़ी की आवाज़ हमने सुनी, पता नहीं है कि रास्ता है, रास्ते में कौन आता है कौन जाता है हमें ये पता नहीं है। तो कुछ टाइम हो गया फायरिंग के बाद, तकरीबन 10-15 मिनट ये फायरिंग तो दूर से हो गई, हमें तो पता नहीं कहां पर हो गई। तकरीबन 10-15 मिनट हो गए तो पुलिस आ गया, तो उन्होंने हमें बाहर निकाला, बोला कि ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी यहाँ की है या और किसी जगह की है। हमने कहा कि तकरीबन हमारे नॉलेज में ऐसा है कि ये गाड़ी यहाँ की नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप अंदर बैठो, रात को बाहर मत निकलो। तो बैठे हम अंदर, तो हम घबरा गए बहुत, मगर ये कुछ नहीं हुआ। तो हम रात को जागे थे, घर में ही बैठे थे। तो चश्मदीदों ने क्या देखा वो हमने आपको सुनवाया, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। और बीजेपी के पूर्व सांसद, माफ कीजिए, बीजेपी सांसद का क्या कहना है वो हम आपको सुनवा देते हैं। पुलवामा में आज जो है कश्मीर पुलिस ने एक गाड़ी ढूंढ निकाली जिसमें काफी भारी मात्रा में विस्फोटक था, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की का प्रयास किया गया था। बाद में पुलिस ने उसे निष्क्रिय किया, जब निष्क्रिय किया तो एक बहुत बड़े आग के गोले की तरह निकल कर सामने आए। तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से आतंक पैर पसारने कोशिश करने कोशिश कर रहा है? देखिए, जो पुलवामा में घटना घटी है और पुलिस और सेना ने जिस प्रकार से उस घटना को घटने से रोक लिया है, एक बात जाहिर करता है कि आज पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत के उभार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जिस प्रकार भारत ने कोविड से पूर्व और कोविड काल में दुनिया के शीर्ष नेतृत्व में अपनी जगह बनाई है, खास करके भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का हस्तक्षेप किया है और जिस प्रकार से दुनिया का समर्थन मिल रहा है, वह दोनों ही देशों को हजम नहीं हो रहा है।
और पाकिस्तान सीधे भारत से न टकरा सकता है न भारत का मुकाबला कर सकता है। तो इमरान खान आज नॉन यूनिफॉर्म में अपनी सेना का उपयोग करके आतंकवाद को फिर से भारत में निर्यात करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ, यह सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक भी क्षण यदि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारी सिविल सोसाइटी तो उसे रोकने में सक्षम तो है ही, लेकिन यदि उन्होंने अपने पैर को नहीं रोका और अपने इस कदम को बढ़ाने से नहीं रोका तो पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इस बात को भूले नहीं। भारत कोई भी कार्रवाई अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपनी सीमा को बचाने के लिए करने में सक्षम है और इसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति का नेतृत्व भारत में विद्यमान है। और हम आपको बता दें कि आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है, इस पर रक्षा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये सुनना भी बहुत जरूरी है, सुनिए। ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में मानता हूँ। ये एक पुलवामा जैसा ही कार लेडन आईडी वाला टेरर अटैक करने का वो एक फिराक में थे। सुनने में आया था कि एक वाइट सेंट्रो कार जो कि पुलवामा के इलाके में कल शाम को वो एक स्पीड से चली जा रही थी, लेकिन इंटेलिजेंस पहले से ही मिल चुकी थी जीएनके पुलिस को कि उसके बीच में कोई एक एक्सप्लोजिव है बीच में। तो पुलिस फोर्सेस ने रोड के ऊपर में तो कोई उसको चेक नहीं किया, अपने आप को सेफ डिस्टेंसेस में रख के एक नाके के पास में उसको चैलेंज किया और उसके ऊपर में फायरिंग करने वो उसने पहले से ही गाड़ी रोक के और ड्राइवर वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद में ये जो कार को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ में डिफ्यूज किया गया और साइट के ऊपर में ही एक्सप्लोड कर दिया गया। मैं ये कहूँगा कि पुलवामा टेरर अटैक में जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ वाले जवान शहीद हुए थे तो ये कुछ ऐसा ही इनकी मंशा थी। आपने देखा होगा रियाज नाइकू के मरने के बाद में गतिविधियां और बहुत तेज हो गई हुई हैं। और हम आपको बता दें कि पुलवामा 2 करने की कोशिश में थे आतंकवादी, जिस हमले को नाकाम किया है सेना ने, नहीं होने देंगे एक और पुलवामा। पुलवामा की साजिश 2019 में विस्फोटकों से भरी कार सीआरपीएफ के काफिले में लाकर उड़ा दी गई थी। कार में विस्फोटक भरकर धमाका करने की साजिश थी लेकिन सेना ने उसको नाकाम किया। आतंकवादियों ने कार को सीआरपीएफ के काफिले में घुसा दिया था। ये पुलवामा 1 की मैं आपको बात बता रही हूं। नाके पर रोकने की कोशिश की गई इस विस्फोटकों से भरी कार को, कार छोड़कर फरार हुआ आतंकवादी, भाग गया। 200 किलो आरडीएक्स से भरी कार में धमाका हुआ था 2019 में, जिसमें 40 से ज्यादा जवानों की जान गई थी। 40 किलो आरडीएक्स से भरी कार को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, आतंकवादी हालांकि फरार हो गया है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद ने यह पूरी साजिश रची थी, पुलवामा 2 की साजिश भी। जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन की मिली भगत है, मिली जुली साजिश एक बार फिर भारत को दहलाने की।